नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। चीन ने म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट में अपना हाथ होने से इनकार किया। पिछले महीने ही चीन के शीर्ष राजनयिकों के एक दल ने म्यांमार के जनरल मिन आंग फ्लाइंग से की थी मुलाकात। इटली के राजनीतिक संकट के बीच दिखी उम्मीद की किरण। राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला ने यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख रहे मारियो ड्रेगी को दिया सरकार बनाने का न्योता। अगर ड्रेगी सरकार बनाने में सफल हुए तो इटली में चल सकते हैं चुनाव। WHO की टीम ने वुहान के वायरोलॉजी रिसर्च सेंटर का दौरा किया। कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने पहुंची है चीन WHO की टीम। दुनिया में 10,44,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 22,65,000 से ज्यादा की मौत। फाइजर बायोटेक वैक्सीन को न्यूजीलैंड में मिली मंजूरी। इस साल की पहली तिमाही तक न्यूजीलैंड में वैक्सीन पहुंचने की उम्मीद। हाई रिस्क वाले लोगों को पहले लगाई जाएगी वैक्सीन। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। सोल के एक हवाई अड्डे पर सेना और पुलिस की टीमों ने मिलकर वैक्सीन पहुंचाने का किया ड्रिल। LGBT समुदाय पर टर्की के गृहमंत्री के ट्वीट के बाद हंगामा। छात्रों ने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। टर्की के गृहमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा था, क्या हमें LGBT लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए जो काबा का अपमान करते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ के जंगलों में लगी आग भयावह हो गई। अब तक 70 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। 9,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल को पहुंचा नुकसान। लॉस एंजलिस में एक फिल्म के सेट पर जबरदस्त धमाका हुआ। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आग ने कई किलोमीटर जंगल को चलाकर खाक कर दिया। कोरोना के चलते स्पेन में लगातार दूसरी बार टल गया मशहूर सैन फर्मिन फेस्टिवल। कोरोना के चलते लागू यहां कई सारे प्रतिबंध। गलियों में भीड़ के पीछे सांडों की दौड़ के लिए जाना जाता है सैन फर्मिन फेस्टिवल। सोचिए क्या हो अगर कोई आपसे ये कहे कि आपके रगों में दौड़ती कोरोना वैक्सीन नकली है। यह ख्याल आपको डरा देता है, लेकिन चीन में सच में यह हुआ। धड़ल्ले से नकली चीनी वैक्सीन लोगों को लगाई गई और दूसरे देशों को निर्यात भी की गई। इसकी भनक जब वहां की सरकार को लगी, जब तक सैकड़ों लोगों को यह नकली वैक्सीन लग चुकी थी। नकल करने में और नकली सामान बेचने में अगर किसी देश का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है तो वो है चीन। वो देश जो अपने दोस्त पाकिस्तान को ही अंडरगार्मेंट से बनी नकली मास्क देकर ठग सकता है, उससे सच्चाई और ईमानदारी की उम्मीदें करना भी बेमानी है। ताजा मामला चीन में बनी नकली कोरोना वैक्सीन से जुड़ा है। खबर है कि चीन में बड़ी तादाद में नकली कोरोना वैक्सीन लगाई और दूसरे देशों को बेची जा रही थी। मजे की बात यह है कि नकली वैक्सीन का पता लगाने वाला भी चीन है। चीन न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक चीन में एक ग्रुप पिछले कई महीनों से इस तरह के वैक्सीन को बनाने में सक्रिय था। बीजिंग, शंघाई और शानदोंग सहित कई जगहों पर छापेमारी में इस तरह के 3,000 से ज्यादा नकली खुराक जब्त किए गए हैं। चीनी नकली वैक्सीन का रैकेट कितना बड़ा था ये इस बात से पता चलता है कि अब तक इसमें 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले भी 2016 में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने लाखों वैक्सीन चीन समेत कई दूसरे देशों को बेची थी। हालांकि इस पर चीन ने सतर्कता बरतते हुए उन सभी देशों को जानकारी दी है जहां चीन की नकली कोरोना वैक्सीन पहुंचने का संदेह है। चीन के लिए ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कुछ ही दिनों पहले ब्राजील ने चीन के उस दावे की धज्जियां उड़ा दी थी जिसमें चीन ने अपने सिनोवैक वैक्सीन को लगभग 90% कारगर बताया था, क्योंकि ब्राजील में हुई जांच में ये वैक्सीन सिर्फ 50% ही कारगर पाई गई। आज तक ब्यूरो। पुर्तगाल में कोरोना के कहर के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। स्थिति ऐसी है कि यहां बेड से लेकर मेडिकल उपकरणों की भारी कमी है और यही कारण है कि अब पुर्तगाल की मदद के लिए उसका दोस्त जर्मनी सामने आया। ये उम्मीदों की उड़ान है, उस उम्मीद की जिस पर नजरें टिकाए पुर्तगाल पिछले कई दिनों से हालात से जूझ रहा है। तस्वीरें जर्मनी के शहर वुनस्टॉफ की हैं, जहां कोरोना से परेशान पुर्तगाल के लिए मदद सामग्री रखी जा रही है। इस मदद की पुर्तगाल को कितनी जरूरत है इसे अस्पताल में बेड की कमी के चलते
बाहर खड़ी दर्जनों एम्बुलेंस में इलाज कराते लोगों को देखकर समझा जा सकता है। पुर्तगाल की मदद के लिए जर्मनी ने उसे 10 वेंटिलेटर, 150 मेडिकल बेड समेत कई चिकित्सा उपकरण दिए हैं। ये मदद पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने माना था कि उनके देश की स्वास्थ्य व्यवस्था धराशायी हो चुकी है। यही नहीं, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने इस हालात से निपटने के लिए कई देशों से मदद मांगी थी। उसी का नतीजा है कि जर्मनी ने आगे बढ़ते हुए अपने पड़ोसी देश की मदद की। राजधानी लिस्बन में नए मरीजों को अस्पताल के बाहर इंतजार करना पड़ रहा है और अस्पतालों में बेड के साथ डॉक्टर नर्सों की भी भारी कमी देखी जा रही है। अब तक यहां कुल 7,31,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मेडिकल उपकरणों की कमी डॉक्टरों और नर्सों की मुश्किल और बढ़ा रही है। ऐसे हालात में काम करने से डॉक्टर और नर्सों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर की खबरें आने लगी हैं। 1 करोड़ की आबादी वाले इस देश में महज 1200 ICU बेड हैं, जिनमें से 830 सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए रखे गए हैं। अब यहाँ की सेना लोगों की मदद के लिए सामने आई है। जर्मनी और सेना की मदद से उम्मीद बंधी है कि जल्द यहाँ के हालात सुधरेंगे। आज तक ब्यूरो। म्यांमार की राजधानी यंगून में सैन्य तख्तापलट का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और आंग सांग सूकी के समर्थन में लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सूकी के पक्ष में लोगों ने बालकनी में खड़े होकर बर्तन बजाए, सैन्य ताकनाशाही के खिलाफ नारेबाजी की, सड़कों पर लोगों ने कार का हॉर्न बजाकर तख्तापलट का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों को लोगों ने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया। फेसबुक पर कई लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर की जगह आंग सांग सूकी तस्वीर लगाई। सोशल मीडिया पर लोग सेना के उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। आंग सांग के समर्थन में डॉक्टर्स ने भी मोर्चा खोल दिया, कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को ठप्प करने की धमकी दे दी। सूकी ने भी लोगों से तख्तापलट का विरोध करने की अपील की। इस बीच सेना ने मीडिया और लोगों से तख्तापलट के खिलाफ बयान देने से रोकने को कहा। अमेरिका के स्टैमफोर्ड शहर के अग्निशमन विभाग में उस समय खलबली मच गई जब उन्हें खबर मिली कि 2 लोग एक ट्रक समेत बर्फीली नदी में गिर गए हैं। मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने बर्फीले पानी के अंदर कूदकर दोनों लोगों को बचाया। इस कोशिश में हवाई सीढ़ी समेत कई उपकरणों का इस्तेमाल किया गया जिनकी मदद से इन लोगों को बचाया जा सका। अग्निशमन विभाग के अनुसार गाड़ी में फंसे एक शख्स को बचाए जाने के फौरन बाद अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर।